हेलो गाइस, तो रक्षाबंधन आ ही गया है और आपको पता नहीं है कि हमें क्या ड्रेसिंग करना है, क्या क्या मेकअप करना है, क्या क्या सब स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या हेयर स्टाइल करनी है, कुछ भी नहीं पता होता, तो इसलिए हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं। तो यूट्यूब पे सर्च करने के बाद आपको ढेर सारी वीडियोज़ मिलती है, तो उसमें से एक वीडियो पर आप टपक पड़े हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक रक्षाबंधन मेकअप लुक कैसे क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल। अगर आप एक बिगनर भी हो तो भी आप ये मेकअप लुक बड़ी इजीली क्रिएट कर सकते हो अपने घर पे। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, ऐसे मैं नहीं कहूँगी, बट ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट सीरियसली नहीं यूज़ किए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस वीडियो में, देन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, देन वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सो बढ़ते हैं वीडियो में। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मेरे अपने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई करा। अब हम करने जा रहे हैं मेकअप। तो प्राइमर के लिए मैं ले रही हूँ इनसाइड का प्राइमर, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे पास था प्राइमर तो मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का प्राइमर। तो ये 3-in-1 है, तो आपको जब ये प्राइमर आप अप्लाई करते हो तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मैंने सिर्फ इनसाइड का प्राइमर यूज़ करा है। तो इसे बड़े अच्छे से आपको आपके फेस पे और नेक पे भी अप्लाई करना है। डू रिमाइंड दैट आपको नेक पे भी अप्लाई करना है। एंड देन हम आते हैं फाउंडेशन पे। सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन। जो मेरा शेड है वो है टॉफी। तो आपको एक परफेक्टली शेड लेना है आपके स्किन को, जानते हुए जो आपकी स्किन है उसके अकॉर्डिंगली एक अच्छा सा परफेक्ट शेड आपको लेना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको एक शेड लाइटर लेना पड़ता है, तब ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद भी वो अच्छा लगे। तो मेरी बदतमीज़ी थोड़ी इग्नोर कीजिए। सो आपको जो आपका फाउंडेशन है उसे डैप डैप करके करना है, क्या बोलते हैं उसे, मैच कर देना है बड़े अच्छे से। तो मैंने ये कर रही हूँ, मैं आप देख ही सकते हो। और मैंने सबसे पहले अपने नेक को कवर करा था, तो आपको नेक पे भी अप्लाई करना है। तो उसके बाद हमारे जो स्टेप आते हैं वो है कॉम्पैक्ट करना। तो कॉम्पैक्ट के लिए मैं यूज़ कर रही थी लैक्मे का। सो लैक्मे का मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ करा था, तो वो एक सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट था, क्योंकि मुझे दिन भर रखना था। तो आप भी इसे अगर आपको डे में लगा रहे हो तो आप इसे लगा सकते हो। अगर आप स्किन सनस्क्रीन भी स्किप करते रहते हो तो कोई झमेला नहीं होने वाला, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद हम आते हैं आईब्रोज पे। तो आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल। तो मैं यहाँ पे मिरर ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे मिरर ही नहीं मिल रहा था यार, तो मैं कैसे आईब्रोज सेट करूँ। तो अब हम आते हैं आई शेडो के ऊपर। तो ब्यूटी ग्लेस्ट का आई शेडो पैलेट मैंने यूज़ करा, और उसमें सबसे पहले मैंने फेंट पिंक जो कलर था उसे ले रहा है, और ऊपर से एकदम आई लिड के थोड़े सा जो ऊपर है वहाँ पर मैंने अप्लाई करा और बड़े अच्छे से ब्लेंड कर दिया एक ब्रश की हेल्प से। और उसके बाद जब हमारे आई लिड होती है उस पर मैंने थोड़ा सा ग्लिटरिश जो शेड था और वो थोड़ा डार्क था वो मैंने अप्लाई करा है, जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इजी है, एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कुछ, बड़ी इजीली जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए, और नहीं होता तो बस आप लिपस्टिक लगा देते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर। तो आप देख सकते हैं मैंने बड़ा अच्छा आईलाइनर लगाया। उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं स्टिल पैरिस का ब्लश यूज़ कर रही हूँ। तो ये पिंक वाला मैंने चूज़ करा था। तो आपका जो भी फेवरेट ब्लश है तो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगेन आप एक लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। उसका लिंक या फिर उसका ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेक कीजिए। या फिर आजू बाजू में देखिए कहीं तो आइकॉन आ गया होगा, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो वो वीडियो। तो उसके बाद हम आते हैं हाइलाइटर के ऊपर। तो हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ करा है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। तो उसमें जो भी सबसे मीडियम शेड जो था वो मैंने अप्लाई कर रही हूँ अपने ब्रिज ऑफ द नोज़, अपने चीक्स पे, और हाँ इतना ही। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई करा है, तो आप भी वहाँ पे अप्लाई कीजिए। अब हम आते हैं लिपस्टिक के लिए। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ करी स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक। मेरी बिल्ली म्याओ म्याओ कर रही है, सो इग्नोर दैट। लिपस्टिक लगा ली है मैंने बहुत इजीली। अब इसके बाद हमें वेयर करने हैं इयररिंग्स या फिर आपकी जो फेवरेट ज्वेलरी है वो, तो वो मैंने अप्लाई कर दी, लगा दी। तो ये देखिए रिजल्ट्स।
सो गाइज, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का मेकअप लुक? अगर आपको मेरा ये आज का मेकअप लुक पसंद आया देन वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड जरूर रहना। उसमें मैं मेकअप के प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ, रील्स अपलोड करती रहती हूँ, जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाइए मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिए एंड मैं अपना जो स्क्रीन पर आईडी का नाम मेंशन भी कर दूँगी, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा मेरी आईडी ढूंढने में। सो वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे वीडियोस का फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए अपनी वीडियोस में। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आपको सब कुछ पता है, बस सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी ज़रूर दे देना। तब तक के लिए बाय बाय।